दोस्तों आज मैं आपको मिलाने वाला हूं जीतू चंद्राकर से। जीतू जब 17 साल की उम्र की थी, आज से 25 साल पहले, उनका एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी थाई बोन फ्रैक्चर हो गई। थाई बोन का ऑपरेशन हुआ जिसमें इन्फेक्शन हो गया, हड्डी जुड़ नहीं पाई, फिर से ऑपरेशन हुआ, फिर हड्डी जुड़ नहीं पाई, ऐसा करके इनके पैर के कई बार ऑपरेशन हुए। और जब ये 3 साल 4 साल पहले मेरे पास आई तो पैर में एक रॉड पड़ी हुई थी, बस रॉड थी लेकिन कहीं कोई हड्डी नहीं थी, वो रॉड हवा में झूल रही थी। और ये लड़की पिछले 25 साल से बिस्तर में पड़ी हुई थी। चंद महीने पहले हमने इनका एक ऑपरेशन किया, जैसे आपने सुना होगा नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, इनका हमने पूरी बोन ही रिप्लेस कर दी, यानी इनकी जांघ की पूरी हड्डी इस समय मेटल की है और उसके साथ जो ऊपर बॉल है ना, वो भी मेटल की है। तो टोटल इनका हिप रिप्लेसमेंट भी हुआ है, उसके साथ में फीमोर रिप्लेसमेंट भी हुआ है, क्योंकि सालों से इन्होंने पैर में वजन नहीं रखा था, हड्डियां एकदम कमजोर थी। आज ऑपरेशन को 3 महीने हुए हैं, ये मुझसे मिलने आई है, लेकिन सालों बाद ये अपने पैर पर वजन रख के चल रही है। फिलहाल ये सपोर्ट पर रहेंगी, अगले आज से 3 महीने के बाद की वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे बिना सपोर्ट के भी अपनी जिंदगी नॉर्मल जी पा रही है। तो आइए मिले जीतू चंद्राकर से। कैसी हो जीतू? कितने साल बाद चल रही हो? 25 साल। क्या बैठो, यहाँ बैठो, पीछे किसको चीज दिखाई जाए। इसे हो गया क्यों तू 25 साल से चल नहीं पा रही थी? मास्क हटाओ, जोर से बात करो। मतलब पहले ठीक चलत रहे हो और बाद में पैर चलो, मतलब फ्रैक्चर हो गई। कब फ्रैक्चर हुई थी? 17 साल। हाँ, 17 साल की उम्र में थी। जब तुम 17 साल की उम्र की थी तो पैर फ्रैक्चर कर लिया था। फिर उसके बाद वही राड लगा हुआ था। आप बैठो। हाँ, और वही महातर है ना डॉक्टर? ना, हम किसी डॉक्टर का मत बताओ मुझे। तो वहाँ करवाया थे ऑपरेशन, उसके बाद ना कितने साल पहले, 17 साल, जो 17 साल की उम्र थी तब ऑपरेशन कराया। फिर उसके बाद में चल ही नहीं पा रही थी, ऐसी बैसाखी लेके चलती थी। बैसाखी लेके बीच में चलती, 8 साल के बाद में बैसाखी लेके चलती, बैसाखी। हाँ, लेकिन उस पे वजन दे पाती थी पहले? नहीं। फिर क्या हुआ? वही मवाद आ गया, मवाद। हाँ, फिर मतलब ये 22 साल, मतलब 22 साल राड लगा था उसी बीच में अगर मवाद आ गया, उसके बाद फिर ये आपके यहाँ मतलब ऑपरेशन हुआ है। तो उस 22 साल क्या क्या झेली हो, मतलब जब तुम आई थी तुम्हारा पैर छोटा था, पूरी हड्डी गल के गायब हो चुकी थी, तो उस पैर पे वजन दे पाती थी 17 साल से? नहीं, लेटी रहती थी। क्या सारे दिन क्या करती थी 17 साल से? बस लेटी है या बैठी रहती थी। घर का कोई काम करती थी? वही अब बैठे बैठे वो सब्जी सुधारना ये तो होता था। हाँ, बाकी चीजें चलने फिरने वाली नहीं है, मतलब हाथे में बैठती। हाँ, सिलाई वगैरह करती थी। घर से बाहर निकलती थी? बाहर नहीं, मतलब बीच में थोड़ा वो कभी कभार कभी कभार।
और अब बिना इसके चल रही थी वो अभी कोशिश नहीं कर रही थोड़ा बहुत चल पाएगी लेकिन इतना वो नहीं है। लेकिन पहले और अपने पैर में क्या फर्क है तुम्हारे? पहले चल नहीं पाती थी अब मतलब ये चल पा रही अब खड़े हो जाती। काम करती है कुछ खाना वाना बनाना सीखी अभी है क्या करती है सर? वजन कितना कम करी अब तक? वजन नहीं हो सकता मैं वजन कम करने की दवा दूंगा तुमको भी वजन कम कर दूंगा ठीक है। कितनी खुश हो पहले से तुमको उम्मीद थी कि खड़ी हो पाओगी? हाँ सुबह सूजन कम होता होगा शाम को बढ़ जाता होगा वहां से गाड़ी में बैठ के आए तो उसकी वजह से भी हो सकता है लेकिन घर में ऐसे बैठे रहती ना अब पैर नीचे करके ये बैठे रहते ना तो थोड़ा सूजन आ जाता है। ठीक है खूब चलो ठीक है गिरना नहीं है खूब चलना है। झुकने की कसरत करती हो?